अगर आप मुझे गुड मॉर्निंग करते रहेंगे तो मुझे समझ में आता रहेगा कि यस। धन्यवाद सर, द मोस्ट ट्रांसपेरेंट एंड ट्रस्टेड लीडर ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग इज लाइव। अरे थैंक यू सो मच यार, थैंक यू सो मच फॉर इतना विश्वास जताने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। सो दोस्तों नमस्कार, आप सबको वेलकम है इस लाइव चैट के अंदर, राइट। एंड ये लाइव मैं क्यों आया हूँ, बिकॉज टू डिक्लेयर समथिंग, और इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर यू टू अंडरस्टैंड कि जो भी मैं बातें बोलूँगा आप उसको प्लीज़ ध्यान से समझिएगा, ध्यान से नोट डाउन कीजिएगा, राइट। बहुत सारी बातें आपके काम आ सकती हैं। यस, टेक्निकल गुरु के नाम से भी लोग बुला लेते हैं, लेकिन मैं हमेशा एक बात बोलता हूँ कि जब आपके पंखा खराब होगा तो आप किसको बुलाएंगे, राइट। उसी को बुलाएंगे जिसको पंखा ठीक करना आता होगा। एसी खराब होगा तो किसको बुलाएंगे, उसी को बुलाएंगे जिसको एसी ठीक करना आता होगा। तो टेक्निकल आदमी को ही बुलाएंगे आप। सो ये तो एक प्लस पॉइंट है, ये तो एक ब्लेसिंग है कि टेक्निकल गुरु के नाम से आप लोग मुझे जानते हैं, राइट। आज का लाइव आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। मैं, जैसा कि आप में से बहुत सारे लोग शायद ना जानते हों, मैं थोड़ा सा ब्रीफ कर देता हूं अपने आप में, राइट। बिलोंग करता हूं यमुनानगर हरियाणा से, और 2004 में मैंने अपना इंजीनियरिंग किया। 2004 में इंजीनियरिंग करने के बाद सितंबर 2004 में मेरा जॉब लग गया, और मैंने तकरीबन 11 साल कॉरपोरेट में दिया है, 11 ईयर्स इन कॉरपोरेट, और 11 साल कॉरपोरेट में अच्छे लेवल पे दिया। और 2014 में मैं इस इंडस्ट्री का हिस्सा बना, जिस इंडस्ट्री के माध्यम से आप सब लोग मुझे सुन रहे हैं। जहाँ तक मैं बिलीव करता हूँ कि 90% लोग उसी इंडस्ट्री के हैं जो मुझे आज की डेट में सुन रहे हैं, तो इसी इंडस्ट्री के माध्यम से आप मुझे जानते हैं, राइट। तो जॉब के साथ साथ, अपनी नौकरी के साथ साथ, तकरीबन और तकरीबन 12.5 लाख के पैकेज के साथ साथ, एक जर्मन एमएनसी की नौकरी के साथ साथ मैं इस इंडस्ट्री में एंटर हुआ आज से तकरीबन और तकरीबन 9 साल पहले, 9 ईयर्स, 9 साल पहले और इस इंडस्ट्री में एंटर हुआ। और तकरीबन 1.5 साल में से मैंने इस इंडस्ट्री को पार्ट टाइम पे किया, 1.5 साल। और पार्ट टाइम पे करने के बाद जब मेरे को जॉब से, मुझे ध्यान है, 1.25 लाख रुपए आते थे, और इस इंडस्ट्री से तकरीबन और तकरीबन 1.25 लाख रुपए का इनकम था पार्ट टाइम बेसिस पे, तब मैंने अपनी जॉब को रिजाइन किया अगस्त 2015 में। और लाइव जा रहा हूँ तो क्लेम ही क्लेम है, ठीक है। अगस्त 2015 में मैंने अपनी जॉब को रिज़ाइन किया, और फिर उसके बाद मैंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। तो आज से तकरीबन, मैं हमेशा बोलता हूँ, मेरा जो सफ़र रहा तकरीबन और तकरीबन 9 साल का, उसमें तकरीबन और तकरीबन ईश्वर की कृपा से 6.5 करोड़ के आसपास का अर्निंग मेरा हुआ। 3 लग्जरी गाड़ियाँ मैंने लिया इस इंडस्ट्री के माध्यम से, राइट। 3 घर बनाए इस इंडस्ट्री के माध्यम से, और तकरीबन 15 इंटरनेशनल ट्रिप लिए, तकरीबन 1 लाख से ज़्यादा लोगों को ट्रेंड कर चुका हूँ। सो 9 साल का सफ़र, 6.5 करोड़ का अर्निंग, जिसमें से 5.5 साल रहा एक बाइनरी कंपनी के अंदर, और जिसमें तकरीबन और तकरीबन 3 करोड़ के आसपास का अर्निंग रहा, और एक जनरेशन कंपनी में रहा तकरीबन और तकरीबन 3.5 साल, जिसमें तकरीबन और तकरीबन 3.5 करोड़ का अर्निंग रहा। अगर आप मेरे बारे में नहीं जानते थे, ये ब्रीफ इसलिए कि आप मेरे बारे में थोड़ा सा जान जाएं बिफोर वी मूव अहेड, राइट। आज से तकरीबन और तकरीबन 4 महीने पहले, 6 महीने पहले, 4 महीने के आसपास, यस 4 महीने के आसपास मैंने डिसाइड किया कि कुछ और एक्सप्लोर किया जाए मार्केट के अंदर, राइट। तो डिसाइड किया कि कुछ और एक्सप्लोर किया जाए। तो जब हम एक्सप्लोर करने निकलते हैं, क्योंकि मैं हमेशा एक बात बोलता हूं कि आम आदमी अपनी कंपनी को अपनी माँ के समान और अपने गुरु को अपने पिता के समान मानता है, तो जब एक्सप्लोर करने निकलते हैं तो बहुत सारी नई चीजें सामने आती हैं। आपको पता लगता है कि मार्केट बदल चुका है, तो बहुत सारी नई चीजें सामने आती हैं। तो आज मैं जिस कंपनी के बारे में बात करने जा रहा हूं, उस कंपनी ने मुझे सरप्राइज किया यार, उस कंपनी ने मुझे सरप्राइज किया। मैं एक्सपेक्ट नहीं करता था उस कंपनी के बारे में ऐसा, लेकिन उस कंपनी ने मुझे सरप्राइज किया आज से तकरीबन और तकरीबन जब मैंने ये डिसीजन लिया। तो देखिए, कोई भी डिसीजन बड़ा पेनफुल होता है, इसमें कोई डाउट नहीं है,
डिसीजन इस डिसीजन पेनफुल होता है क्योंकि बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी जिंदगियां आपके साथ जुड़ी होती हैं, राइट। लेकिन जब आप मार्केट में निकलते हैं और आपको पता चलता है कि मार्केट में और अच्छी चीज़ें अवेलेबल हैं, तो यू गेट सरप्राइज कि यार आपको पता क्यों नहीं था, पता क्यों नहीं था। क्योंकि हमें तो यही सिखाया जाता है कि घोड़े की तरह चलना है, तो हम एक्सप्लोर भी नहीं करते। फिर से वही बात कि आम आदमी अपनी कंपनी को माँ के समान और गुरु को पिता के समान मानता है, तो हम कुछ और एक्सप्लोर नहीं करते। लेकिन 4 महीने बाद मैंने सबसे पहले तकरीबन 5 कंपनीज के प्रोडक्ट्स को यूज़ करना शुरू किया। क्योंकि जब भी हम प्रोडक्ट बेस की बात करते हैं तो प्रोडक्ट बेस में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या चीज़ है? प्रोडक्ट, राइट। तो एक बुक हमेशा और हमेशा मेरे पास रहा है, आजकल भी मेरे पास रहता है, राइट। व्हाट योर डॉक्टर डजंट नो अबाउट न्यूट्रिशनल मेडिसिंस मे बी किलिंग यू, हमेशा मेरे पास रहता है ये बुक। तो प्रोडक्ट्स को यूज़ करना शुरू किया, तकरीबन 5 कंपनीज के प्रोडक्ट्स को मैंने यूज़ करना शुरू किया आज से तकरीबन 4 महीने पहले, 4 मंथ्स बैक, क्योंकि मुझे लगा कि कुछ और एक्सप्लोर करना चाहिए। और जब मैं एक्सप्लोर करने लगा तो कुछ समय बाद मेरे को रियलाइज़ हुआ कि एक कंपनी जिसको मैं सबसे ज़्यादा मार्क्स दूंगा, राइट, मेरा रुझान उसकी तरफ सबसे ज्यादा रहेगा। क्योंकि प्रोडक्ट बेस में प्रोडक्ट ही इंपॉर्टेंट है, हम हवा तो बेच नहीं रहे दोस्त, हम प्रोडक्ट बेच रहे हैं, राइट। तो इस कंपनी ने मुझे दंग कर दिया, क्योंकि सबसे पहले तो ये एंटीऑक्सीडेंट बेस्ड है और प्रोबायोटिक्स। हमारे दादाजी हमेशा एक कहावत बोलते थे, पेट नरम सर ठंडा तो डॉक्टर को मारो डंडा। और प्रोबायोटिक जो कि इनडाइजेशन का और बहुत सारी पेट की प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन है, प्रोबायोटिक बेस पहला कंपनी निकला सर, पहला कंपनी, राइट, फर्स्ट कंपनी जिन्होंने अपने हर सप्लीमेंट में प्रोबायोटिक्स को बेस बनाया, फर्स्ट कंपनी जिसने अपने हर प्रोटीन शेक्स के अंदर प्रोबायोटिक्स को बेस बनाया, फर्स्ट कंपनी जिसने बहुत सारी और चीजों में प्रोबायोटिक को बेस बनाया, साथ में कुछ पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट्स जो कि इस बुक का सार है। क्योंकि ये बुक बोलता है कि ऑक्सीडेशन इज द मेजर प्रॉब्लम फॉर एनी, किसी भी बीमारी की सबसे पहली जो प्रोसेस है वो ऑक्सीडेशन से शुरू होती है, कोई भी बीमारी ऑक्सीडेशन से शुरू होती है। ये मैं नहीं बोल रहा दोस्त, ये किताब बोलती है, ध्यान से पढ़िएगा अगर आपने नहीं पढ़ी तो, राइट। सो जिस कंपनी का नाम मैं लेने वाला हूँ, उस कंपनी को 7 साल हो चुके, तो मैं कुछ चीज़ें बताऊंगा उस कंपनी के बारे में। और कंपनी का नाम है दोस्त ओके लाइफ केयर। यस, हमने ओके लाइफ केयर को चूज़ किया सबसे पहले प्रोडक्ट स्टडी करने के बाद। तो मैं 3 चीज़ों के ऊपर बात करूंगा आज दोस्त, 3 चीज़ों के ऊपर। सबसे पहले मैं बात करूंगा प्रोडक्ट्स के ऊपर, ओके लाइफ केयर में ऐसा क्या खास बात है प्रोडक्ट्स में। और प्रोडक्ट्स में मैं बात करता हूं तो सबसे पहले मैं 3 चीजों पे बात करूंगा, आप नोट कर सकते हैं। पहला, रेंज की, रेंज कैसा है कंपनी के पास में। दूसरा, प्रोडक्ट का क्वालिटी कैसा है। तीसरा, रेंज क्वालिटी के बाद आता है प्राइस, क्योंकि हमारी नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री पूरी ओवर प्राइस से जूझ रही है। तो जब मैं रेंज की तरफ बढ़ा तो मैं दंग रह गया कि मार्केट में फॉरेन कंपनीज के बेस्ट प्रोडक्ट्स के जो फॉर्मुलेशंस हैं, उससे भी ज्यादा पावरफुल फॉर्मुलेशंस इस कंपनी ने यूज किए हैं प्रोडक्ट्स को बनाने के लिए। यस, और बेस क्या है? प्रोबायोटिक्स एंड एंटीबायोटिक्स, राइट। फिर जब मैं क्वालिटी पे गया तो मैं दंग रह गया कि ऐसा क्वालिटी एक इंडियन कंपनी कैसे दे सकता है, क्योंकि मैंने सच में ऐसा क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट देखा ही नहीं। क्योंकि मैं न्यूट्रिशंस को यूज कर रहा हूं सिंस द बिगिनिंग, जब से मैं नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री का हिस्सा बना हूं 2014 से, मैं तब से न्यूट्रिशंस को यूज कर रहा हूं, राइट। लेकिन ऐसा क्वालिटी मैंने आज तक नहीं देखा। और मैंने बहुत सारी कंपनीज के प्रोडक्ट, मैं आपको बता रहा हूं कि 5 कंपनीज के प्रोडक्ट कंपेरिजन किए मैंने, खुद कंज्यूम करके देखे पहले 4 महीने, ऐसे डिसीजन नहीं लिया। क्योंकि प्रोडक्ट्स मुझे समझ में आता है, स्टार्टिंग से ये बुक पढ़ रहा हूँ न्यूट्रिशंस के ऊपर, व्हाट योर डॉक्टर डजंट नोज अबाउट न्यूट्रिशनल मेडिसिंस मे बी किलिंग यू, स्टार्टिंग से आई एम रीडिंग दिस बुक, राइट। सो नंबर 1 प्रोडक्ट, नंबर 2 प्रोडक्ट का रेंज क्वालिटी, नंबर 3 पे बात करूंगा प्रोडक्ट का प्राइस। जब प्रोडक्ट का प्राइस देखा मैंने, मेरे को याद आया कि मेरे को किसी फॉरेन कंपनी का, मेरे को लास्ट ईयर डेंगू हुआ था, तो मेरे को किसी फॉरेन कंपनी का कुछ प्रोडक्ट्स दिया गया था किसी के द्वारा,
फॉर डेंगू। अच्छा, जब मैंने यहां पर उसी सेम प्रोडक्ट को देखा तो वो पहले तो हाफ रेट के आसपास था, हाफ रेट, यस डीपी इज हाफ रेट। और जब मैंने उसको ओपन किया, इट स्मेल्स, उसका जो फ्रेग्रेंस था, उसका जो फ्रेग्रेंस था वो ऑलमोस्ट सेम, मतलब मैं कहूंगा उससे बेटर था। क्यों? क्योंकि उसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट एडिशनल ऐड है। क्योंकि जब भी हम किसी चीज की फॉर्मुलेशन से बेटर चीज बनाते हैं तो वो शानदार निकलती है, राइट। सो रेंज, क्वालिटी और प्राइस। जब प्राइस की मैं बात करता हूं तो बहुत ही कम रेट में मार्केट से आप प्राइस को मैच कर सकते हैं। मार्केट से हमारी इंडस्ट्री हमेशा से ओवर प्राइस से जूझी है यार, हमेशा से ओवर प्राइसिंग से जूझी है। तो मैंने जब पूछा जो यहाँ पे डायरेक्टर साहब हैं जिनको मैं बहुत एडमायर करता हूँ, क्योंकि मैं ये मानता हूँ कि आप उन्हीं से सीख सकते हैं जो आपको लगता है कि आपको मेंटर कर सकते हैं, तो मैं सबसे पहले तो सराहना देना चाहूँगा सारन सर को, राइट। और अगर आप जहाँ पर भी हैं, अगर घर पे बैठे हैं और अगर आप ओके लाइफ केयर का हिस्सा हैं, तो मैं चाहूँगा सारन सर के लिए एक बार जोरदार तालियां बजाएं। उनकी सोच के लिए एक बार जोरदार तालियां होनी जरूरी है कि उन्होंने कैसे ये साइंटिफिक प्रोडक्ट्स को लॉन्च कर दिया, इतने पावरफुल प्रोडक्ट्स को, राइट। सो साथ ही साथ अगर मैं सप्लीमेंट्स की बात करूं तो सप्लीमेंट्स में चार चीजें मिलेंगी आपको, जैसे कि मैंने बोला एंटीऑक्सीडेंट्स, दूसरी चीज प्रोबायोटिक, तीसरी चीज हीलिंग के लिए आपको मिलेगा आयुर्वेदा, और फिलिंग के लिए आपको मिलेगा मॉलिक्यूल्स, जैसे कि जिसको हम एक्सट्रैक्शन मॉलिक्यूल्स बोलते हैं, जिसको कि हम विटामिंस एंड मिनरल्स बोलते हैं, राइट। सो ये अमेजिंग सोच है यार, अमेजिंग सोच है। तो मैंने सर से पूछा, सारन सर से, कि सर आप इतने सस्ते प्रोडक्ट्स कैसे दे सकते हैं? उन्होंने बोला, हम सस्ते नहीं देते यार, लोग महंगे देते हैं। तो मुझे लगा यार ये बिल्कुल ठीक बात है कि हम सस्ते नहीं देते, लोग महंगे देते हैं। तो ग्रेट, सारन सर से मिलके जो मुझे फीलिंग हुआ वो बहुत ही शानदार हुआ। सबसे पहली चीज, जैसा कि मैंने आपको बोला कि मैं बात करूंगा प्रोडक्ट्स के बारे में, अब मैं लेकर चलता हूं आपको दूसरे पी के ऊपर। अच्छा, प्रोडक्ट्स में मैं एक चीज बोलना भूल गया दोस्त, पैकेजिंग। पैकेजिंग इंटरनेशनल क्वालिटी का पैकेजिंग, लुक एंड फील इंटरनेशनल क्वालिटी का, टेस्ट ऑफ द प्रोडक्ट्स इंटरनेशनल क्वालिटी, राइट। बहुत जल्द हम दुबई लॉन्च करने जा रहे हैं, राइट, दुबई लॉन्च करने जा रहे हैं विद द हेल्थ प्रोडक्ट्स, रिमेंबर विद द हेल्थ प्रोडक्ट्स, राइट। सो सोच को सलाम है सारन सर की। तो प्रोडक्ट के बाद मैं चलता हूं प्लान के ऊपर। प्लान तो यार पूछो मत, देखो, क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस दोनों जगह है, मुझे बाइनरी का भी एक्सपीरियंस है और जनरेशन प्लान का भी एक्सपीरियंस है। बाइनरी में मैं तकरीबन 5.5 साल काम किया है सर, 5.5 साल में तकरीबन 3 करोड़ के आसपास का अर्निंग रहा है। और जनरेशन में मैंने जो काम किया है वो तकरीबन 3.5 साल काम किया है, जिसमें 3.5 करोड़ का अर्निंग रहा है, जैसा कि मैं पहले भी बता चुका हूँ, राइट। तो मैं क्या सोचता था कि बाइनरी वैसे की वैसी है, लेकिन यहां आकर जब मैंने सबसे पहले प्लान समझा कि यार ये तो 2 लाख का जनरेशन प्लान है, राइट। सबसे पहली चीज जो मेरे को इस प्लान की भाई, क्योंकि बाइनरी में मेरे एक बार 1300 पेयर मैच हुए थे, जी हां 1300 पेयर, और उसमें कैपिंग था 1,35,000 का, 1,35,000 का कैपिंग था। सो मुझे मात्र 1,35 ही मिला था, बाकी का 11,65,000 फ्लश आउट हो गया था। तो मुझे जो सबसे पहली चीज प्लान के अंदर भाई, वो भाया विदाउट कैपिंग प्लान। देखो यार, जब हम लीडर है ना तो लीडर की तरह ही सोचेंगे ना कि यार हमारी कैपिंग ना लगे। विदाउट कैपिंग प्लान, कि सर कैपिंग नहीं है आपके प्लान में। तो मैं देख के दंग रह गया कि यार मैं सोच भी नहीं सकता था कि 2 लाख के जनरेशन प्लान में प्लान जो है वो विदाउट कैपिंग भी हो सकता है। और मजे की बात यह कि ये 7 साल से मेंटेन्ड है, ये 7 साल से मेंटेन्ड है, इसी तरीके से चल रहा है। प्लान में गया तो मेरा ऐसा यूज था, क्योंकि हमने 15,000 के एवरेज पेयर पे तकरीबन 1,000 रुपए का पे आउट लिया है, और यहां पर जब मैंने पे आउट देखा तो मैं दंग रह गया कि यार ये तो 10% के आसपास मिल रहा है, 10% के आसपास। फिर उसके बाद जब मैं प्रोडक्ट्स को देख रहा हूं प्लान के अंदर, सबसे जो बेसिक चीज होती है जो आदमी को घर से बाहर निकालती है वो है रिटेल मार्जिन। रिटेल मार्जिन बहुत सारी कंपनियां कंजूसी करती हैं रिटेल मार्जिन में, क्योंकि परफॉर्मेंस बोनस मार जाती है। अगर आपने मेरी वीडियो नहीं देखी परफॉर्मेंस बोनस इज अ मिथ, तो उस वीडियो को आज ही यूट्यूब पर जाकर जरूर देखें दोबारा से। परफॉर्मेंस बोनस इज अ मिथ, इल्यूजन, उसको जाकर दोबारा से यूट्यूब पर देखें।
तो जब मैं तो परफॉर्मेंस बोनस मार जाता है रिटेल मार्जिन को, रिटेल मार्जिन जब देखा तो मैं दंग रह गया। 40% से शुरुआत है रिटेल मार्जिन की, 40% से लेकर 125% तक का रिटेल मार्जिन। अब बताओ एक लड़का या एक बच्ची जो घर से बाहर निकलती है, सुबह एक्टिवा स्टार्ट करती है, जब वो मार्केट में निकलती है और रिटेल करने निकलती है, लेकिन उसके पास अगर 10 से 15% का मार्जिन होता है, वो लड़का जब मेडिकल शॉप पे जाता है या वो कहीं पर भी किसी को एज अ कस्टमर प्लान दिखाने जाता है, कस्टमर बोलता है 5 से 10% तो डिस्काउंट छोड़ो, और वो 5 से 10% डिस्काउंट छोड़ता है तो घर में क्या लेकर आता है? मात्र ₹5। 100 रुपए का सामान बेचेगा तो ₹5 आएंगे। अरे दोस्त, 40% रिटेल मार्जिन, 40%। मेडिकल शॉप्स हो, डॉक्टर्स हो, दे आर हैप्पी टू सोल्ड द प्रोडक्ट्स बिकॉज ऑफ रिटेल मार्जिन, बिकॉज ऑफ रिटेल मार्जिन। 40% रिटेल मार्जिन विदाउट कैपिंग प्लान। और फिर उसके बाद में आप जानते हैं जनरेशन, मल्टीलेक जनरेशन में तो कितनी कंडीशंस होती हैं, क्योंकि वो विड्थ और डेप्थ ड्रिवन प्लान है। विड्थ बढ़ाओगे तो डेप्थ मिलेगी, फिर विड्थ बढ़ाओगे तो डेप्थ मिलेगी, मतलब डेप्थ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू विड्थ। और पूरी विड्थ खोलने के बाद भी डेप्थ में 8 डेप्थ, 9 डेप्थ, 5 डेप्थ, 7 डेप्थ के बाद कैपिंग है। कैपी बोलूंगा मैं उसको, और क्या बोलूंगा? कैप नहीं है क्या? कैप ही तो बोलेंगे उसे। तो यहां पर विदाउट एनी कंडीशन 2 लाख के अंदर विदाउट कैपिंग, राइट? तो रिटेल मार्जिन शानदार मिल गया जी। जो नए लोग जुड़े वो बेचारे बाहर जाकर काम कर सकते हैं। घर में मेरे पास एक बोतल पड़ी है, इस समय एक बोतल पड़ी है जिसका जो प्राइस है वो तकरीबन 2000 है, और डीपी है 999, एमआरपी 2000। 100% रिटेल मार्जिन, और हंस के बिकता है प्रोडक्ट ही ऐसा है, हंस के बिकता है, क्योंकि कोई भी प्रोडक्ट के इंग्रेडिएंट्स उसकी क्वालिटी डिसाइड कर देते हैं पहले ही, उसके अंदर डला क्या है वो डिसाइड कर देते हैं उसकी क्वालिटी को, राइट? सो 100% रिटेल मार्जिन वाला प्रोडक्ट बता रहा हूं आपको, 100%। तो दोस्तों 100% रिटेल मार्जिन विदाउट कैपिंग प्लान। उसके बाद जो मुझे समझ में आया कि विदाउट एनी कंडीशन, तीसरी लेग चलाओ, ये करो विदाउट एनी कंडीशन। और मैं जनरेशन प्लान में जब तक आदमी सेम लेवल पर रहता है, आप जुड़े आप 8% पे हैं, जब तक सेम लेवल पे रहेंगे, 3 लोग जोड़ लो, 4 लोग जोड़ लो, 5 जोड़ लो, 6 जोड़ लो, 7 जोड़ने के बाद में आपका लेवल 12% होता है, उसके बाद भी आप टोटल लगाएंगे तो 1800-1900 रुपए आते हैं दोस्त। पहला जोड़ा कोई पैसा नहीं क्योंकि सेम है, लेवल सेम है। दूसरा जोड़ा डायरेक्ट कोई पैसा नहीं, लेवल सेम। तीसरा डायरेक्ट कोई पैसा नहीं, लेवल सेम। चौथा डायरेक्ट कोई पैसा नहीं, लेवल सेम। हाँ, परफॉर्मेंस बोनस आएगा, लेकिन उसके लिए वो वीडियो देखनी जरूरी है कि परफॉर्मेंस बोनस इज अ मिथ, राइट? पांचवा जोड़ा फिर से लेवल सेम, कोई पैसा नहीं आएगा। छठा जोड़ा फिर से सेम, कोई पैसा नहीं आएगा। सातवें के बाद जाकर 1800 रुपए आते हैं, उसमें से भी परफॉर्मेंस बोनस के 400-500 रुपए मिलते हैं, 300 रुपए मिलते हैं दोस्त, 270 एक्चुअली ध्यान से देखेंगे तो। सो हर कंपनी का अलग अलग कंडीशन है, लेकिन यहां पर कोई कंडीशन नहीं। इस पूरे प्लान में सबसे अच्छी चीज कि 7 साल से इसकी पॉइंट वैल्यू मेंटेन है। जानते हैं क्यों? सारण सर ने ना मुझे पहले दिन बोल दिया था कि वी आर एथिकल कंपनी। मैंने पूछा था, मैंने तहश में आगे पूछा था, ऐसा क्या एथिकल, ऐसा क्या एथिक्स है आपके पास, राइट? उन्होंने बोला था हम किसी को बाप नहीं बनाते, इसीलिए इस कंपनी को एथिकल कंपनी के नाम से जाना जाता है, राइट? कि हम किसी को बाप नहीं बनाते, मतलब कि आज आप आएंगे गौरव जी तो हम आपको किसी के ऊपर जगह दे सकते हैं, लेकिन मैं ऐसा बिल्कुल नहीं करूंगा, मैंने 7 साल से ऐसा नहीं किया। ये बात ना मेरे दिल पे लग गई, क्योंकि ये मेरे साथ हुआ है, राइट? ये मेरे साथ हुआ है, एक्चुअली हमारी टीम में हुआ है, एनालिसिस में ये मेरे साथ हुआ है एक्चुअली। तो दिल पे लग गई बात, क्योंकि ये दिल पे इसलिए लग गई कि क्योंकि मैंने अपनी पूरी जान लगा ली कि किसी तरीके से मुझे एक पावर लेग मिल जाए, पूरी जान लगा ली कि किसी तरीके से पावर लेग मिल जाए, लेकिन ना जी ना, सारण सर टस से मस नहीं हुए। शायद इसीलिए वो बहुत सारे लीडर्स को पसंद नहीं आते, लेकिन इसीलिए वो हमारे जैसे लीडर को पसंद आ गए,
राइट, कि जो लीडर जिद्दी है अपने उसूलों पे, वही कंपनी को बहुत बड़ा कर सकता है, वही कंपनी को अपने नंबर वन पे लेकर जा सकते हैं दोस्त। तो जीरो से भाई साहब, जीरो से धंधा स्टार्ट किया, और मुझे जब 10 साल लगाने हैं ना किसी कंपनी में, तो मुझे यह समझ में आ गया कि भैया एथिकल कंपनी के साथ ही जुड़ना जरूरी है, नहीं तो कल को तो कोई मेरे से बड़ा भी आ सकता है, मेरे से बड़ा आएगा तो मेरे ऊपर जगह दे दी जाएगी, राइट, उसको मेरा बाप बना दिया जाएगा। यार अच्छा नहीं लगता ना, इतने अच्छे से आप काम कर रहे हो, इतनी मेहनत से काम कर रहे हो, बीवी बच्चों को छोड़ के काम करते हो, तो इतनी कंडीशंस भी अच्छी नहीं है, और ये भी करना अच्छा नहीं है, अनएथिकल भी करना अच्छा नहीं है, तो ये सारी चीजों ने मुझे अट्रैक्ट किया। उसके बाद अभी आप सोच रहे अरे खत्म नहीं हुआ दोस्त, उसके बाद जो अट्रैक्शन रहा वो रहा ARP। मेरे दोस्त अगर आपने अभी तक ARP नहीं देखा है तो आपने ओके लाइफ केयर के प्लान को अच्छे से समझा नहीं है। अगर आपने एनुअल रिवार्ड पॉइंट्स को नहीं समझा है तो आपने ओके लाइफ केयर को ठीक से समझा नहीं है। जो सारी चीजें मैं बता रहा हूं ना, ये तो हैं, ये हैं बाय डिफॉल्ट, लेकिन साथ में ARP, मैं हमेशा बोल रहा हूं जिनसे मिल रहा हूं उनको बोल रहा हूं कि 10 जून 2024 को ओके लाइफ केयर की जो रेस है नंबर वन जाने की, वो और तेज हो जाएगी। रेस तो शुरू हो चुकी है लेकिन वो और तेज हो जाएगी। किसकी वजह से? ARP की वजह से, ARP की वजह से। और अगर आपने ARP को मिस कर रहे हैं दोस्त, क्योंकि मैं ये मानता हूं, देखो दोस्त हमेशा और हमेशा मोमेंटम शिफ्ट होता है। पिछले 8 साल में आप देख लो कौन सी मल्टी लेग जनरेशन प्लान कंपनी खुली है, 8 साल में मोमेंटम शिफ्ट होता है। इंडियन कंपनीज इसलिए बड़ी हुई क्योंकि फॉरेन कंपनीज का सब्स्टिट्यूट चाहिए था 2011-2012 में, राइट, सब्स्टिट्यूट चाहिए था, और कुछ कंपनियों ने दिखा दिया था कि यस वो टिकने आई हैं, तो लोगों ने उनको एक्सेप्ट किया, स्टेबिलिटी के ऊपर एक्सेप्ट किया, राइट। अब मोमेंटम शिफ्ट हो रहा है दो लेग जनरेशन प्लान की तरफ। बहुत सारे इन्वेस्टमेंट कंपनी के लोग वापस प्रोडक्ट बेस में आ रहे हैं, बहुत सारे, क्योंकि सिंपल है, प्रोडक्ट बेस में कुछ ऐसा कुछ खास लायबिलिटी नहीं है दोस्त, सिंपल है, राइट। सो ये 2 लाख का जनरेशन प्लान की तरफ सारा मोमेंटम शिफ्ट हो रहा है, और इसीलिए नंबर वन बनने की रेस शुरू हो चुकी है, और 10 जून 2024 में ARP के कारण वो रेस तेज हो जाएगी, तेज हो जाएगी, बहुत तेज हो जाएगी दोस्त, बहुत तेज हो जाएगी। सो प्लान गजब है दोस्त, प्लान गजब है, प्रोडक्ट गजब है, राइट। अब बसता क्या था? मैंने कहा यार प्लान भी बढ़िया है, प्रोडक्ट भी बढ़िया है, अब क्या बसता है? मार्केट में कुछ बहुत सारे परसेप्शंस हैं, मार्केट में कुछ मिथ हैं, तो उसके लिए क्या किया जाए? चलो यार मैनेजमेंट से मिलने चलते हैं, चलो यार मैनेजमेंट से मिलने चलते हैं। और आज से तकरीबन राइट, सो तीसरी चीज मैंने कहा यार मैनेजमेंट से मिलना चाहिए, और फिर मैं मैनेजमेंट से मिलने का मैंने अपॉइंटमेंट फिक्स किया, और तकरीबन इसी तरीके से मैं तकरीबन 4 कंपनीज की मैनेजमेंट से मिला जिनसे मैंने डिसाइड किया। लेकिन सबसे ज्यादा क्यूरियस था मैं इस मैनेजमेंट से मिलने के लिए कि यार सब कुछ तो ठीक है, प्लान प्रोडक्ट सबसे शानदार, प्लान सबसे कातिल, तो मैनेजमेंट से मिलना चाहिए, इतना परसेप्शन क्यों है मार्केट में? मैनेजमेंट से मिलना चाहिए। और आज से तकरीबन मुझे ध्यान है 19 जुलाई के आसपास मेरा मीटिंग हुआ, और जब मैं मैनेजमेंट से मिला, जब मैंने इंफ्रास्ट्रक्चर देखा, राइट, जब मैंने इंफ्रास्ट्रक्चर देखा तो मैं दंग रह गया। दे हैव अ लार्जेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर इन दिल्ली NCR। यस, आज मैं ये बोल सकता हूं कि दे हैव अ लार्जेस्ट, अब दे नहीं बोलूंगा, वही बोलूंगा, वही है ना, वही, वी हैव अ लार्जेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर इन दिल्ली NCR। यस, लार्जेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर इन दिल्ली NCR, सबसे बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है दिल्ली NCR में। आप बोलोगे कैसे क्लेम कर सकते? अरे कर रहा हूं क्लेम भाई, उसी इंफ्रास्ट्रक्चर में बैठा हूं इस समय, लार्जेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर में बैठा हूं इस समय, राइट। इतना बड़ा, मैंने सुना था कि कंपनी प्रोडक्ट रखती है, तकरीबन कंपनी के पास में 200 करोड़ का प्रोडक्ट
अपने खुद के इंफ्रास्ट्रक्चर में। यार एक बात बताओ, एक आदमी अपने शहर में ही इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर क्यों बनाएगा यार, अपने ही शहर में, राइट, वो भी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर क्यों बनाएगा? क्योंकि यार वो सोच बड़ी है, उसकी आइडियोलॉजी बड़ी है, उसका उसका जो माइंडसेट है वो बहुत बड़ा है, उनका जो विजन है वो बहुत बड़ा है, राइट। इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर क्यों बनाएगा? तकरीबन 200 करोड़ का प्रोडक्ट मैंने देखा है खुद। आप आइए, वेलकम है आपका, कॉल कीजिए, जिन्होंने भी आपको, अगर आप मुझे देख रहे हैं सुन रहे हैं, कॉल कीजिए, राइट, मेरे व्हाट्सएप नंबर पे कॉल कीजिए, मैं आपको लेकर चलूंगा, इंफ्रास्ट्रक्चर दिखाऊंगा, ताकि आपका मिथ, आपका इल्यूजन दूर हो दोस्त, राइट। मैं जानता हूं पिछले 3 साल से कंपनी ने 2 चीजों पे काम किया है। पहला प्रोडक्ट, कि प्रोडक्ट का रेंज शानदार बनाकर उसका प्राइस कैसे कम किया जाए। दूसरा इंफ्रास्ट्रक्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर मैं फिर से रिपीट कर देता हूं, द लार्जेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर इन दिल्ली एनसीआर, यस, लार्जेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर। तो मैं दंग रह गया इंफ्रास्ट्रक्चर देख के, मैं तैयारी देख के दंग रह गया यार, तैयारी देख के दंग रह गया। देखो पता है क्या चक्कर है, कि हम हमेशा बात करते हैं विजन की, कि यार विजन क्या होना चाहिए कंपनी का, कंपनी का क्या बोलते हैं, कंपनी क्या सोच रही है। मेरे दोस्त, विजन वो होता है जो प्रोडक्ट्स में दिखाई दे, विजन वो होता है जो प्रोडक्ट के प्राइस में दिखाई दे, प्रोडक्ट की पैकेजिंग में दिखाई दे, विजन वो होता है दोस्त जो कि आपके इंफ्रास्ट्रक्चर में दिखाई दे, विजन वो होता है जो दिखे कंपनी के अंदर, विजन वो नहीं होता जो बोलकर बताना पड़े, जो दिखे कंपनी के अंदर। एथिक्स एंड एथिक्स विजन है दोस्त, राइट, पॉलिसीज विजन है, इंफ्रास्ट्रक्चर विजन है दोस्त, ये सारी चीजें विजन है, राइट, इन्वेंटरी जो रखी हुई है वो विजन है दोस्त, वो विजन है, वही तो विजन है, और क्या। बोल के तो मेरे को पूछेंगे तो मैं भी बहुत बड़ी बड़ी बातें कर दूंगा, प्लस साथ में एटीट्यूड, किस एटीट्यूड के साथ कंपनी बिजनेस को बिल्ड कर रही है। कंपनी में एक बहुत अच्छे लीडर थे आरआर धैया जी, वो चले गए, कंपनी उनको दोबारा अभी भी कंपनी उनको पेमेंट दे रहा है। साथ में कंपनी ने कोरोना रिलीफ फंड निकाला कोरोना के टाइम पे, ध्यान से सुनिए, कोरोना रिलीफ फंड निकाला कोरोना के टाइम पे, और मास्क सैनिटाइजर को फ्री में बांटा, बिजनेस नहीं बनाया उसे कोरोना के समय पे, मास्क सैनिटाइजर और ग्लव्स को फ्री में बांटा, उसको बिजनेस नहीं बनाया दोस्त, बिजनेस नहीं बताया। इसे बोलते हैं कल्चर। मणिपुर में हंगामा हुआ दोस्त, लेकिन कंपनी हर मंथ पे आउट दे रही है मणिपुर में, इसको बोलते हैं कल्चर, दैट इज कॉल्ड कल्चर, और इसको मैं करेक्टर भी बोलूंगा, इसको मैं कल्चर भी बोलूंगा, राइट, और इसको मैं एटीट्यूड भी बोलूंगा, क्योंकि यही सब चीजें, राइट। 2 महीने का एडवांस पे आउट दिया कंपनी ने कोरोना के समय में, राइट। अभी रक्षाबंधन पे मैं देखा कि कंपनी ने बहुत सारे अपनी बहनों को, मतलब जो डिस्ट्रीब्यूटर हैं उनको 501 रुपया दिया, इसको कल्चर बोलते हैं यार, इट इज कॉल्ड कल्चर। और हमें ऐसा जताया जाता था कि मतलब एक ही कंपनी है जो ऐसा करती है, या एक ही कंपनी है जो इसके बारे में सोचती है। अरे नहीं भाई, आपसे बड़ा कोई सोच रहा है, आपसे बड़ा एटीट्यूड रख रहा है कोई, आपसे बड़ी आइडियोलॉजी रख रहा है, आपसे बड़ी सोच रख रहा है कोई, ये समझो। तो दोस्तों ये 3 चीजें थी, पहली चीज प्रोडक्ट, रेंज, क्वालिटी, प्राइस, और साथ में पैकेजिंग, राइट। दूसरी चीज थी प्लान में कंडीशंस ना होना, 2 लाख का जनरेशन प्लान विदाउट कैपिंग, 40% रिटेल मार्जिन, और हां एआरपी को मत भूल जाना, और तीसरी चीज जो मैं बोलूंगा इंफ्रास्ट्रक्चर, कल्चर, एटीट्यूड, राइट, जो कि कंपनी को बड़ा करने के लिए बहुत जरूरी है। मैं आपको यकीन दिला सकता हूं कि ओके लाइफ केयर आने वाले टाइम की भारत की नंबर वन कंपनी बनेगी दोस्त। मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूं दोस्त, भारत की नंबर 1 कंपनी बनेगी। और हम तकरीबन आज की डेट में 11 डेस्टिनेशंस खोल चुके हैं दोस्त। अगर मैं अपनी बात करूं तो हम 11 डेस्टिनेशंस खोल चुके हैं, राइट।
अगर आप बरेली के आसपास हैं, इसका मतलब अगर आप बदायूं में हैं या अगर आप बबराला में हैं, अगर आप पीलीभीत में हैं, बहुत सारे एरिया जो मुझे याद आ रहे हैं मैं वही बोल रहा हूं, अगर आप लखीमपुर खेड़ी में हैं राइट, तो हम आपको फुल तरीके से जबरदस्त तरीके से सपोर्ट कर सकते हैं। उसके बाद अगर आप सीतापुर लखनऊ में हैं, आपका स्वागत है दोस्त, आपका स्वागत है। अगर आप यमुनानगर के आसपास हैं, हरियाणा के आसपास, अगर आप पानीपत से हैं, अगर आप करनाल से हैं, अगर आप कुरुक्षेत्र से हैं, अगर आप अंबाला से हैं, अगर आप जीरकपुर से हैं, चंडीगढ़ से हैं, तो हम आपको बहुत शानदार तरीके से सपोर्ट कर सकते हैं दोस्त। ये मैं वो बात कर रहा हूं जो 11 डेस्टिनेशन हम खोल चुके हैं। अगर आप इंदौर में हैं, उज्जैन में हैं, मैं अभी की बात कर रहा हूं, अभी की बात, आने वाली बात करूंगा अभी, पहले अभी की सुन लो आप। अगर आप इंदौर में हैं, उज्जैन में हैं, छिंदवाड़ा में हैं, अगर आप भोपाल में हैं, ग्वालियर में हैं, तो हम आपको शानदार तरीके से सपोर्ट कर सकते हैं राइट। अगर आप मुंबई में हैं, थाने में, अंधेरी में, कहीं पर भी हों, सेंट्रल मुंबई, नवी मुंबई, कहीं पर भी हों, तो हम आपको, कल्याण में हों, हम आपको सपोर्ट कर सकते हैं शानदार तरीके से। अगर आप लखनऊ के आसपास हैं, कानपुर में हैं, उन्नाव में हैं, तो हम आपको शानदार तरीके से, अगर आप बनारस के आसपास हैं तो हम सपोर्ट कर सकते हैं। जम्मू में, उधमपुर में, श्रीनगर, किश्तवाड़, भदरवाह राइट, सब जगह, इन सब जगह हम ओपन कर चुके हैं। मैं बोल रहा हूं 11 डेस्टिनेशन बड़े हब हम खोल चुके हैं, ओपन कर चुके हैं, और आने वाले 6 महीने के अंदर, आने वाले 6 महीने के अंदर हम लोग 100 डेस्टिनेशन के ऊपर काम कर रहे होंगे दोस्त, 100 डेस्टिनेशंस। क्यों? नंबर वन जाना है भाई, नंबर वन जाना है, मजाक नहीं है कोई, 100 डेस्टिनेशंस बोल रहा हूं मैं, 100 डेस्टिनेशंस आने वाले 6 महीने में। आपको 100 डेस्टिनेशंस पे ओके लाइफ केयर और टीम गौरव भाटिया जी का परचम लगा हुआ नजर आएगा राइट, परचम लगा हुआ नजर आएगा। और मैं अंत में इतना ही बोलना चाहूंगा कि बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का, इतना प्यार देने के लिए, इतना सम्मान देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और तकरीबन जो हमने अभी तक 1800 लोगों का जो हमने टीम बनाया, ये अभी हमारा सेकंड क्लोजिंग हम करेंगे, तो तकरीबन जो 1800 लोगों का हमने जो टीम बनाया उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी का स्वागत है। और मैं अपने बारे में एक और चीज बता दूं दोस्त, 2014 में एक ट्रेनिंग खरीदा था एरिक वोरी का, 2015 में दूसरा ट्रेनिंग खरीदा एरिक वोरी का, हमारा सारा एजुकेशन सिस्टम वहीं से डिजाइंड है। तो अगर आपको एजुकेशन का सपोर्ट चाहिए, मोटिवेशन नहीं यार, मोटिवेशन तो यूट्यूब पे, फेसबुक के वीडियो पे बहुत सारा मिल जाएगा आपको, अगर एजुकेशन, एजुकेशन बड़ी अच्छी है, कहावत है जिम रोन की, वो बोलते हैं इफ यू मोटिवेट अ फूल ही विल बी अ मोटिवेटेड फूल, इफ यू मोटिवेट एन इडियट ही विल बी अ मोटिवेटेड इडियट। यहां पर फूल और इडियट किसको बोला जा रहा जानते हैं? यहां पर ना समझ आदमी को बोला जा रहा है, ना समझ आदमी को फूल और इडियट बोला जा रहा है, और बिल्कुल सही लाइन है, इफ यू मोटिवेट अ फूल, इफ यू मोटिवेट अ ना समझ आदमी राइट, ही विल बी अ मोटिवेटेड फूल, सही बोला जा रहा है मेरे दोस्त। एजुकेशन, एजुकेशन है जो इंपॉर्टेंट है, एजुकेशन। जब पंखा खराब होता ना, टेक्निकल आदमी को बुलाते हो आप, मोटिवेट नहीं हो जाते, खुद पंखे में नहीं घुस जाते, चिपक जाओगे, क्योंकि मोटिवेट अ फूल ही विल बी अ मोटिवेटेड फूल, घूम जाएगा। जब एसी खराब होता ना, टेक्निकल आदमी को बुलाते हो आप, है ना, जब आपका मैकबुक लैपटॉप खराब होता ना, तो टेक्निकल आदमी को बुलाते हो आप, क्योंकि टेक्निकल आदमी के पास में उसका एजुकेशन और उसका स्क्रिप्ट सारी की सारी अवेलेबल होती है, कैसे किसी को अप्रोच करना है, कैसे क्या करना है, वो सारा का सारा बेसिक पावरफुल तरीके से स्क्रिप्टेड हमारे पास में अवेलेबल है, जिससे कि आपकी ग्रोथ फास्ट हो सकती है, लीडरशिप फास्ट क्रिएट हो सकती है, और मल्टीप्लिकेशन फास्ट हो सकती है राइट। इतने सालों से जो आप सोच रहे थे दोस्त, जहां भी फंसे पड़े हैं, निकलिए, आइए, कॉल कीजिए, शानदार कंपनी के साथ काम कीजिए, क्योंकि मोमेंटम शिफ्ट होता है दोस्त, और मोमेंटम शिफ्ट हो रहा है, और मोमेंटम तेजी से आगे बढ़ेगा राइट। मैंने बोला 10 जून 2024 नंबर वन बनने की रेस और तेज हो जाएगी, और तेज हो जाएगी। तो आइए दोस्तों मिलकर बहुत बड़ा एक, क्योंकि देखिए यार, और हां, लोगों की बातों में मत जाइएगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, करियर आपका है दोस्त, करियर आपका है। जो बातें बोलेंगे वो 6 कंपनियां करने के बाद में कंपनियों में करियर बना रहे हैं,
उन्होंने भी 20 कंपनियां करी हैं किसी ने, सो टेंशन लेने का जरूरत नहीं है। जब अपना करियर बनाना था तो चेंज, टेंशन लेने का जरूरत नहीं है। आपका करियर इंपॉर्टेंट है, करियर राइट, माता पिता के ड्रीम्स इंपॉर्टेंट है, माता पिता के ड्रीम्स राइट, आपकी फैमिली सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है राइट। और हम प्रोडक्ट बेस ही कर रहे हैं दोस्त, कोई इन्वेस्टमेंट थोड़ी कर रहे हैं। वी आर इनटू अ शानदार जानदार कंपनी एंड लेट्स कम टुगेदर एंड डेफिनेटली वी विल क्रिएट हिस्ट्री। मैं वादा करता हूं कि वी विल क्रिएट हिस्ट्री इन नेटवर्क मार्केटिंग। मेरे एफर्मेशन में लिखा हुआ है आई एम द मोटिवेशन एंड द मेंटर टू द टॉप नेटवर्क मार्केटिंग लीडर्स इन इंडिया राइट। और बहुत ही जल्दी मैं ये आपको करके दिखाऊंगा राइट सर। सो थैंक यू सो मच, स्वागत है आप सभी का, आइए कॉल कीजिए। और यस, एआरपी जरूर समझिए, इंफ्रास्ट्रक्चर जरूर देखिए, प्रोडक्ट्स जरूर समझिए सर। थैंक यू सो मच एंड सी यू ऑल, ऑल द बेस्ट, हैव अ वंडरफुल लाइफ अहेड विद अस ओके लाइफ केयर। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।